तो क्या गोल्डबर्ग का WWE चैंपियन बनने का सपना रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर पूरा हो पाएगा या फिर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच ऑफिशियल होने के बाद भी हो जाएगा कैंसिल? इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर इसके बारे में बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड हर बार की तरह इस वीडियो में भी मैं आप सभी के लिए कुछ काफी कमाल के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आ गया हूं, जिनको आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। हम लोग अलेक्सा ब्लिस के पहले रिएक्शन के बारे में करेंगे बात, जो कि उनका आया है सामने जब उन्होंने रैंडी ऑर्टन की आंखें एकदम जला कर रख दी हैं। इसके अलावा हम लोग अलेक्सा ब्लिस और रैंडी ऑर्टन के इस पूरे स्टंट के बारे में करेंगे बात, किस तरीके से WWE ने पूरा सिनेरियो शूट किया, क्योंकि आज अलेक्सा ब्लिस हैरी पॉटर बन गई थी और वो अपनी जादुई हाथों से, मैं कह सकता हूं, आग के गोले छोड़ रही थी। तो किस तरीके से WWE ने पूरा जो सीन था वो रिकॉर्ड किया, ये बात हो चुकी है रिव्यू। इसके अलावा और भी कुछ एंट्रेंसेस हो चुकी हैं अनाउंस रॉयल रंबल मैच के लिए, तो उनके बारे में भी करूंगा बात। इसके अलावा रॉ के सुपरस्टार के बारे में करेंगे बात, जिसके रिसेंटली WWE ने इंजरी कर दिया अनाउंस। इसके अलावा फाइनल अपडेट के अंदर हम लोग WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में करेंगे बात, जो कि रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर आज रॉ के एपिसोड के बाद ऑफिशियल हो चुका है। और वहां पर ड्रू मैकइंटायर हमें गोल्डबर्ग के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। काफी सारे लोगों का ये मानना है कि ये मैच आखिरी टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है हमें ड्रू मैकइंटायर कोविड से इतनी जल्दी रिकवर ना करते हुए नजर आए, क्योंकि ज्यादा दिन बचे नहीं अब रॉयल रंबल पेपर व्यू को, करीबन 20 दिन ही बाकी रह गए हैं। और क्या सीधा WWE गोल्डबर्ग को चैंपियनशिप हैंड ओवर कर देगी, ये जो सारे क्वेश्चन आप सभी के इस वीडियो के अंदर मैं उनके आंसर देने वाला हूँ। क्या ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच ऑफिशियल रहेगा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर? क्या ड्रू मैकइंटायर वहां पर रेसल करेंगे या फिर मैच हो जाएगा कैंसिल? तो काफी सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी, मैं ऑलरेडी काफी बकबक कर चुका हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि इस बार एक रॉ के सुपरस्टार की इंजरी के बारे में जुड़ी है, क्योंकि WWE ने उनकी जो इंजरी है वो रिसेंटली ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। तो ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि एक्सेवियर वुड के टैग टीम पार्टनर यानी कि कोफी किंगस्टन है। हमने देखा भी था आज के रॉ के एपिसोड के अंदर, जब टी बार और एक्सेवियर वुड के बीच मैच हो रहा था, तो पूरी की पूरी रेट्रीब्यूशन की जो मंडली है वो तो एक साथ आई थी, लेकिन एक्सेवियर वुड अकेले आए थे, उनके जो टैग टीम पार्टनर कोफी किंगस्टन है वो हमें शो के ऊपर दिखाई नहीं दिए थे। और शो के खत्म होने के बाद जो WWE है वो कोफी किंगस्टन की जो इंजरी है वो अनाउंस कर देती है, और वो बताती है कि जब हर्ट बिजनेस के खिलाफ कोफी किंगस्टन ने एक्सेवियर वुड का एक टैग टीम मैच हुआ था, तो इस मैच के अंदर जो कोफी किंगस्टन है उन्हें इंजरी का सफर करना पड़ा था। और यहाँ पर अभी फिलहाल जो उनकी इंजरी बताई जा रही है वो फ्रैक्चर जॉ की इंजरी है, और अभी फिलहाल कितने लंबे टाइम के लिए कोफी किंगस्टन बाहर रहेंगे ये बात रिवील नहीं हुई है। लेकिन यह सभी फिलहाल जो कोफी किंगस्टन है आउट ऑफ एक्शन है, और क्या रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर वो आएंगे या फिर नहीं ये बात भी रिवील नहीं हुई है। तो क्या इस साल जो रॉयल रंबल का पेपर व्यू विदाउट कोफी होगा? क्या इस साल हमें कोई कोफी किंगस्टन का रॉयल रंबल का मोमेंट दिखाई नहीं देगा? ये जो सारी बात है हमें वो रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर ही पता लगेंगी। लेकिन होप करूंगा जल्दी से जल्दी कोफी किंगस्टन रिकवर करें और वो हमें 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर अपने जलवे बिखेरते हुए नजर आए। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इस बार अलेक्सा ब्लिस के बारे में जुड़ी है। और अलेक्सा ब्लिस ने रिसेंटली अपना पहला रिएक्शन रिवील कर दिया है जब उन्होंने आंख जला के रख दी रैंडी ऑर्टन की। तो यहां पर जो अलेक्सा ब्लिस है रॉक एपिसोड के खत्म होने के बाद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक फोटो पोस्ट करती है पूरे स्टंट की, जो फोटो आप लोग अपनी स्क्रीन के या फिर कह लो पूरी पोस्ट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। यहां पर अलेक्सा ब्लिस ने कैप्शन के अंदर लिखा है आंख के बदले आंख यानी कि आई फॉर एन आई। और आई फॉर एन आई सुनने के बाद आप सभी को सबसे पहले एक्सट्रीम रूल्स का मैच याद आ रहा होगा, जो कि सेथ रॉलिंस एंड रेमी स्टीरियो के बीच हुआ था। और इस मैच के अंदर रेमी स्टीरियो की जो आंख है वो बाहर आ गई थी, और यहां पर वही जो कैप्शन है अलेक्सा ब्लिस ने भी लिखा है। तो क्या आंख के बदले आंख का मैच होगा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर या फिर आई फॉर एन आई मैच होगा? ये तो अब WWE जानती है। वैसे रिपोर्ट के हिसाब से आप सभी को एक फायरफ्लाई फन हाउस मैच दिखाई देगा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर ऑर्टन एंड फिएंड के बीच। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम लोग मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के स्टंट के बारे में, जो कि हुआ था अलेक्सा ब्लिस एंड रैंडी ऑर्टन को लेकर। और हमने क्या देखा था, अलेक्सा ब्लिस ने अपने हाथ को बना दी थी हैरी पॉटर की छड़ी, और उन्होंने आंख का गोला छोड़ा था अपने हाथ से, और सीधा वो आंख का जो गोला है ना वो रैंडी ऑर्टन की आंखों के अंदर तक चला गया। अब वो कैसे पॉसिबल हुआ, काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई लाइव एकदम जब शो चल रहा था WWE ने किस तरीके से आग वाला पूरा सिनेरियो दिखा दिया, क्योंकि देखने में काफी रियलिस्टिक लग रहा था। आप देखोगे देखने में सही में ऐसा लगता है जब धुआं वगैरह भी निकलता है अलेक्सा ब्लिस के हाथों के आस पास से कि हाँ भाई सही में उनके हाथ से एकदम आग गई है। और यहाँ पर रिसेंटली रिंगसाइड न्यूज ने बात रिवील कर दी किस तरीके से WWE ने ये जो पूरा स्टंट है परफॉर्म किया था। और यहाँ पर ये बात रिवील हुई कि जो आखिरी में जो एंडिंग हुई है रैंडी ऑर्टन एंड अलेक्सा ब्लिस की, ये ऑलरेडी प्री टेप्ड थी, यानी कि जब ट्रिपल एच के हाथ में आप देखोगे जो स्लेज हैमर था उसको आग लग गई थी, और उसके बाद लाइट्स ऑफ हुई थी, और उसके बाद जो अलेक्सा ब्लिस हमें आते हुए नजर आई थी, ये जो सारी चीजें थी पहले से ही प्री टेप्ड थी, और WWE ने पहले इस चीज की रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से करके रख ली थी। और इसके अलावा जब रैंडी ऑर्टन एंड ट्रिपल एच का मैच नहीं बल्कि एक ब्रॉल हो रहा था शो के ऊपर, हमने इसमें देखा भी था कि जो रैंडी ऑर्टन है उनके थोड़ा बहुत खून भी साइड से निकलने लग गया था, लेकिन जो उसके
बाद का एलेक्सा ब्लिस का स्टंट होता है उसमें आप देखोगे रैंडी ऑर्टन का चेहरा भाई एकदम साफ सुथरा है और उनके मुंह से कोई खून वगैरह या फिर चेहरे से कोई खून वगैरह का एक बूंद भी निशान नहीं है। तो इससे बात साफ साफ पता लगती है कि जो रैंडी ऑर्टन एलेक्सा ब्लिस की पूरी थिंग इसलिए पहले से रिकॉर्डेड थी। सिर्फ जो लाइव टीवी के ऊपर हम लोग देख रहे थे वो ट्रिपल एच एंड रैंडी ऑर्टन का ब्रॉल था, बाकी वो जो पूरा फायरबॉल वाला सिनेरियो था वो पहले से रिकॉर्डेड था। और कुछ इस तरीके से WWE ने काफी अच्छे तरीके से मैं कहूंगा कि पूरा जो सीन था वो शूट किया। बस गलती ये रहेगी कि उनको पता नहीं था कि रैंडी ऑर्टन के एक्चुअल में खून निकलने लग जाएगा जब उनका ट्रिपल एच के साथ ब्रॉल होगा। और यहाँ पर वो जो सेगमेंट था वो विदाउट मैं कह सकता हूँ ब्लड शूट किया गया था, लेकिन ओवरऑल जो सेगमेंट था मेरे हिसाब से WWE ने काफी अच्छे तरीके से प्लान किया, काफी अच्छे तरीके से सारी शूट किया और लगा नहीं बीच में कि अचानक से लाइव से हम लोग एक पूरी रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर इंसर्ट हो गए हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ जो कि इस बार 30 वुमेन्स रॉयल रंबल पेपर व्यू के बारे में जुड़ी है। और WWE की तरफ से रिसेंटली और भी जो एंट्रीज हैं वो इस पेपर व्यू के लिए 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के लिए अनाउंस कर दी गई हैं। और शो के ऊपर आज जो रॉक एपिसोड हुआ था वहां पर डायना ब्रूक एंड मैंडी रोज ने ये बात ऑफिशियली अनाउंस की थी कि वो भी हमें 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर होती हुई नजर आएंगी। तो देखते हैं भाई क्या कुछ मैंडी रोज एंड डायना ब्रूक इस 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के अंदर कर पाती। लेकिन बढ़ते हैं अब हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ जो कि इस बार स्मैकडाउन के रोस्टर के बारे में। और स्मैकडाउन के रोस्टर के अंदर भी पाए गए हैं काफी सारे COVID-19 के पेशेंट्स। और हमने देखा था आज के रॉक एपिसोड के एयर ऑन होने से पहले हमें एक बहुत ही बड़ी न्यूज पता लगती है और हम सभी को यह बात पता लगती है कि हमारे WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर को COVID-19 हो गया, इसी के चलते वो हमें रॉक एपिसोड में आते हुए नहीं नजर आएंगे। अब इस वीडियो के अंदर लेटर ऑन हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे क्या ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच ऑफिशियल होने के बाद भी कैंसिल हो सकता है या फिर नहीं। लेकिन आपको बता दूं रिंग साइड न्यूज की तरफ से जस्ट इसके बाद एक न्यूज आती है सामने एंड यहाँ पर रिंग साइड न्यूज ये बात रिवील करता है कि स्मैकडाउन के रोस्टर के अंदर भी अभी फिलहाल काफी सारे COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। और अभी फिलहाल यहाँ पर वो जो नेम है किसी का भी रिवील करते नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिंग साइड न्यूज का ये मानना है कि अगर मान लो वो नेम किसी का रिवील कर देते हैं और बाद में उसको तुरंत ही जो COVID-19 एक दो दिन बाद ठीक हो जाता है तो यहाँ पर जो स्मैकडाउन का रोस्टर है उसके अंदर खलबली मच जाएगी और ये प्राइवेसी वाली थिंग है। इसी के चलते यहाँ पर किसी का नाम वो रिवील करते नहीं है, यहाँ पर वो उसे खिंड देते हैं कि वो सुपरस्टार अभी फिलहाल स्मैकडाउन की जो स्टोर लाइन चल रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। और यहाँ पर ये बात बताते कि एक सुपरस्टार नहीं बल्कि मल्टीपल सुपरस्टार्स हैं जो कि स्मैकडाउन के रोस्टर के अंदर हैं जो कि अभी फिलहाल स्टोर लाइन्स के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, उनको COVID-19 हुआ है। तो अभी भाई फिलहाल मैं कोई गेस लगा नहीं सकता कि कौन सा सुपरस्टार होगा क्योंकि गेस लगाना बहुत गलत होगा। मान लो मैं किसी सुपरस्टार का नाम ले देता हूँ और उसको ना हो और ऐसे भाई फालतू की जो न्यूज़ है फैलाने की किसी को जरूरत है नहीं। एंड बस ये होप करूंगा कि जल्दी से जल्दी सारे जो सुपरस्टार्स हैं वो रिकवर हो जाए और COVID-19 भाई जल्दी से जल्दी भाग जाए क्योंकि इससे सभी तंग आ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ जो कि इस बार रॉयल रंबल पेपर व्यू के WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में जुड़ी है जो कि होने वाला है द बिल गोल्डबर्ग वर्सेस द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर के बीच। अब ड्रू मैकइंटायर एंड गोल्डबर्ग का मैच आज के रॉक एपिसोड में तो ऑफिशियल हो जाता है क्योंकि ड्रू मैकइंटायर कहते हैं मुझे अभी COVID-19 है लेकिन मैं रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर तुम्हारा जो चैलेंज है गोल्डबर्ग एक्सेप्ट करने वाला हूं और मैं तुम्हारे साथ WWE चैंपियनशिप मैच के अंदर जरूर से रेसल करूंगा। और यहां पर चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने से साफ साफ जो ड्रू मैकइंटायर है वो मना कर देते हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल काफी सारे जो फैंस है वो कंफ्यूज हैं किस तरीके से ड्रू मैकइंटायर को तो COVID-19 है वो आएंगे रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर और वो कैसे रेसल कर सकते हैं गोल्डबर्ग के खिलाफ एक WWE चैंपियनशिप का मैच, या फिर WWE ऐसा करेगी कि आखिरी टाइम पे जब रॉयल रंबल के अंदर ये मैच शुरू होने वाला होगा वो चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करवा देगी ड्रू मैकइंटायर से और गोल्डबर्ग के पास हमें सीधा चैंपियनशिप आती हुई नजर आएगी। तो ये जो आपके सारे डाउट्स हैं इस रिपोर्ट के बाद क्लियर हो जाएंगे क्योंकि रिसेंटली बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई है इस मैच को लेकर सामने। और यहाँ पर जो गुड न्यूज है वो ये बात रिवील करती है कि जो ड्रू मैकइंटायर है वो आज ही क्वारंटाइन नहीं किए गए हैं, जब पिछला रॉक एपिसोड निकल गया था उसके तुरंत बाद से जो ड्रू मैकइंटायर है एक्चुअली में क्वारंटाइन के अंडर है। और अभी फिलहाल यहाँ पर ये बात भी रिवील हुई है कि मान लो अगर ड्रू मैकइंटायर की जो COVID-19 की रिपोर्ट है वो एक हफ्ते पहले नहीं है ये सामने, वो आज ही आई है और आज से जो ड्रू मैकइंटायर है वो क्वारंटाइन हुए हैं, तभी जो ड्रू मैकइंटायर के क्वारंटाइन की मैक्सिमम डेट आ रही है सामने कि कब तक वो क्वारंटाइन रहेंगे वो 22 जनवरी की आ रही है कि अगर आज भी ड्रू मैकइंटायर क्वारंटाइन किए गए आज पहला दिन है उनका क्वारंटाइन का तो मैक्सिमम जो टाइम है यहाँ पर वो 22 जनवरी का है और 22 जनवरी के बाद जरूर से जो ड्रू मैकइंटायर एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे क्योंकि अभी फिलहाल जो उनको COVID-19 का कह सकता हूँ बीमारी हुई है वो पहले स्टेज के ऊपर ही ज़्यादा खतरनाक है नहीं। वैसे भी ड्रू मैकइंटायर काफ़ी फिट एंड फाइन है, उनका जो हाइजीन वगैरह वो एकदम प्रॉपर है, इसी के चलते उनको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं रिकवर करने से, उसके बाद वो वैक्सीन लगवाएंगे और हमें ज़रूर से वो रेसल करते हुए नजर आएंगे रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर। तो कहीं ना कहीं ड्रू मैकइंटायर के फैंस के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी गुड न्यूज़ है कि ड्रू मैकइंटायर 22 तारीख तक ही जो मैक्सिमम डेट है फिलहाल रिकवरी की वहाँ तक हमें आते हुए नजर आएंगे, मैच कैंसिल होगा नहीं। बाकी देखना ये होगा क्या रिटर्न करने के बाद वो ड्रू मैकइंटायर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर पाएंगे गोल्डबर्ग के खिलाफ या फिर नहीं, या फिर गोल्डबर्ग अपना सपना करेंगे पूरा और वो बनेंगे एक बार फिर से WWE चैंपियन और
वो हराएंगे ड्रू मैकइंटायर को। तो होप करता हूँ आप लोग खुश हो कि ड्रू मैकइंटायर एंड गोल्डबर्ग का मैच स्टिल होगा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर। लेकिन गाइज आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बना कहीं मत जाना आपके हिसाब से मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच में कौन जीतेगा नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जाने को मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय टेक केयर।